एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबर सदर इलाके से, जहाँ जनपद न्यायाधीश ने किया प्रतापगढ़ के जिला कारागार का औचक निरीक्षण, मचा हड़कंप। बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने मंगलवार को जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जनपद न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित पवार और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना तिवारी ने कारागार के बैरकों, पाकशाला, चिकित्सालय, लीगल एंड क्लिनिक, पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था देखी। बंदियों के भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा, विधिक सहायता के विषय में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से जिला कारागार अधीक्षक ऋषभ द्विवेदी, डिप्टी जेलर आफ्ताब अंसारी, डॉक्टर प्रवीण रजन, डिप्टी जेलर श्रद्धा समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। इस दौरान जिला न्यायाधीश ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित आदेशों का पालन करने के लिए उन्हें निर्देशित किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां प्रतापगढ़ जिले में भीषण गर्मी के चलते लोग हुए बेहाल, ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप। दरअसल तस्वीर है प्रतापगढ़ के सदर स्थित सही नदी पुल के पास का, जहां लगा बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक धू धू कर जलने लगा, जिसकी वजह से आसपास के राहगीरों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना फायर विभाग की टीम को दी गई और बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी दिया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली आपूर्ति बाधित करते हुए सूचना अग्नि विभाग की टीम को दिया। अग्नि विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी का कहर बदस्तूर जारी है और टेम्परेचर 46 डिग्री के पार पहुँच गया है, जिसकी वजह से बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला के खबर की, जहाँ बेखौफ बदमाशों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू किया मामले की जाँच। दरअसल लालगंज कोतवाली इलाके गोसाई का पूर्वा पेट्रोल पंप के पास का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पैसे लेकर अपने साढ़ू के घर जा रहे युवक से बेखौफ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। विरोध करने पर उसे मारा पीटा भी गया। पीड़ित ने मामले की शिकायत लालगंज कोतवाली पुलिस से की है। सुनिए क्या कुछ कहना है पीड़ित का। लोग पीछे बीच में हमको खड़ा हो गए तो एक लंप के मारा, रुक गए भैया, उसके बाद उतर के जो है हमको पीछे से पकड़ लिए, फिर दो तीन पड़ाका पीछे उठे, हम उड़े उड़े पे मार दिए, उसके बाद तमंचा लगा के यहाँ पे लगा दिए मोबाइल, फिर इसमें जेब हमको पीछे ऐसे पकड़ लिए, फिर हमारे इसमें ये पैंट यहाँ से हुक खोल के जेब में उकरा पैसा लिया, पर्स लाइसेंस सब पूरा लेके चले गए जो है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां मुंबई से आई महिला ने लगाया अपने पति पर उसे छोड़कर भागने का आरोप किया मामले के उच्च अधिकारियों से शिकायत। दरअसल यह मामला है प्रतापगढ़ जिले के कुंडा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत, जहां रहने वाला एक युवक मुंबई में एक महिला से शादी रचाई और उसे छोड़कर फरार हो गया। खोजबीन करती हुई महिला कुंडा आ पहुंची और मामले की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से किया है। सुनिए क्या कुछ कहना है महिला का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति। कहाँ से आई आप? मैं बम्बई से आई। बम्बई से? हाँ। क्या मामला है बताइए। मेरा आदमी बम्बई से छोड़ के भाग गया। आपका आदमी आपको छोड़ के भाग गया? हाँ, मुंबई से। बम्बई से भाग गया, 5 तारीख को भाग गया, संडे के दिन 5 मई को। हाँ, मई को 5 तारीख को। तो आप यहाँ कब आई कुंडा? मैं 7 तारीख को आई, 6 तारीख की गाड़ी पकड़ी, 7 तारीख को इधर आई। तो ननन के घर में 2 दिन रही, ननन बोली चली जाओ, मेरे ससुराल चिल्लाते हुए ससुराल आई, बार बार कुंडा थाना दे, कुछ सुनाई नहीं हुई मैं थाना कुंडा में। आपके पति के नाम क्या है? मंजीत गौतम। मंजीत गौतम, घर कहाँ है उसका? घर इधर भराई में रहते हैं। भराई में? हाँ। तो वहाँ नहीं मिला आपको? ये तो नहीं मिला, घर वाले को बोले आपको पता है तो बता दो, मैं खाना नहीं खाती, पानी इनके घर में, प्रधान के घर में ही जाती हूँ, दोनों के घर में जाके खाना नाश्ता पानी सब इधर ही करती। तो ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं? ससुराल बोलते बम्बई चली जा, बम्बई चली जा, तेरा गुजारा नहीं होएगा। तो क्या चाहती हैं आप? मेरा मुझे मेरा आदमी चाहिए, 3 साल हो गए शादी करके, पति का कुछ पता ही नहीं चला, 3 साल हो गए आदमी। तो पुलिस पे आपने कंप्लेंट किया था? मैं कंप्लेंट करी, लिखा पढ़ी सब कागज मेरे पास है, कोर्ट में अगले साल छोड़ के भागा था, अगले साल मैं कोर्ट में शादी तक करी। तो थाने में आपने शिकायत की पुलिस? हाँ, पुलिस से करी थी। तो क्या बोले पुलिस? साहब बोला इंतजार कर, 1-2 महीना आ जाएगा तेरा आदमी, 15 दिन के ऊपर हो गया, कुछ खबर ही नहीं आई। मैं बार बार थाना जाती, बार बार प्रधान से कहते, तो नया प्रधान चाचा को बोले मेरे कुछ तो सुनाई करो, मैं चाचा के पास में बार बार जा रही हूँ,
चाचा बोला ठीक है तेरी सुनाई तेरी हो जाए। मतलब जहाँ आपके पति के गांव है वहाँ प्रधान? हाँ प्रधान, प्रधान मराई का प्रधान। हाँ जमीन वाला चाचा और नया प्रधान। अच्छा पुराने और नए साथ देते लोग, पुराने प्रधान नए प्रधान, नया प्रधान और चुनाव प्रधान दोनों। तो क्या आपके पति घर वाले कुछ नहीं बता रहे हैं वो कहाँ है? नहीं बता रहे, लोग छुपा रहे। लोग बोलते पुलिस थाना बार बार जा। मैं बोली बार बार मुझे तो अच्छा मिलता है, इज्जत घराने की है, मुझे बार बार थाना अच्छा नहीं लगता जाना। मुझे आपनी से मतलब आपनी मैं छोड़ के भाग गए, आपनी के सिवा मेरा सारा कोई नहीं। आपने पुलिस में शिकायत की? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है ना? नहीं कर रही। आपको पुलिस परेशान कर रही है? परेशान कर ले, पुलिस बोलते है ले तेरा आपनी आ जाएगा। चलो